नमस्कार, मैं अभिषेक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकनाथ। आइए डालते हैं आज की खास खबर पर नजर। दीनदयाल नगर में रहने वाली एक शिक्षिका के साथ 90,000 रुपए की ठगी हो गई। एडिशनल एसपी ऋषिकेश मीणा ने बताया कि महाराजपुरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत डीडी नगर में रहने वाली सीमा पत्नी कौशलेंद्र सिंह बतौरिया के मोबाइल पर अनजान नंबर से फोन आया। फोन करने वाले ने सीमा से कहा कि वह उसके छात्र का पिता बोल रहा है, उसे मदद की आवश्यकता है। छात्र को सीमा जानती थी। उसने कहा कि उसके खाते में कुछ तकनीकी गड़बड़ी के कारण रुपए ट्रांसफर नहीं हो पा रहे हैं, उसे रुपए मंगवाने हैं, इसलिए सीमा के खाते में रुपए मंगवाने की बात कही और लिंक भेजी। जब सीमा ने क्लिक किया तो दो बार में 90,000 रुपए निकल गए। इस मामले में एफआईआर दर्ज कर विवेचना की जा रही है। इसके साथ ही एडिशनल एसपी ऋषिकेश मीणा ने लोगों से इस तरह के फर्जीवाड़े से बचने, सावधान रहने की और इस तरह की किसी लिंक को बिना जानकारी शेयर नहीं करने की सलाह भी दी। ये महाराजपुरा थाना क्षेत्र का मामला है। जैसा कि आप लोग भी जानते हैं, पब्लिक को भी हम टाइम टाइम से अवेयर करते रहते हैं कि जो साइबर फ्रॉड है उसके बहुत अलग अलग तरीके आजकल फ्रॉडस्टर अपना रहे हैं। इसी में एक ये बहुत ही यूनिक टाइप का था और शायद ग्वालियर में हम पहली बार इस तरीके का हमारे पास शिकायत आई है कि एक शिक्षिका के स्टूडेंट का पिता बन के किसी फ्रॉडस्टर ने कॉल किया है और जैसे उस पर कॉल किया, डिटेल्स कुछ शेयर की तो उसके लगभग 90,000 रुपये के आसपास डिडक्ट हो गए। पूरा प्रकरण में एफआईआर दर्ज कर लिए और इसमें जो भी विवेचना है वो की जा रही है। लेकिन फिर एक बार आप लोगों के माध्यम से यही बात मैं आम पब्लिक को पहुंचाना चाहूँगा कि अगर शिक्षक जैसे पढ़े लिखे लोग इस तरीके के फ्रॉड के झांसे में आ रहे हैं, फ्रॉडस्टर के में, तो कितना आप लोगों को सजग रहने की ज़रूरत है। इसलिए केवल उसी आदमी से बात करें, उसी आदमी का फ़ोन उठाएं जिसको हम पर्सनली जानते हैं या फिर आपके मतलब कोई विश्वास का है। अगर लग रहा है कि कुछ इसमें गलत है तो आप फ़ोन कट करके दोबारा से जो नंबर आपके पास सेव हैं उस नंबर पे आप अपने रिश्तेदार को या जान पहचान वाले को कॉल कीजिए ताकि इस तरीके के फ्रॉड से बचा जा सके। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही हमारे अन्य सोशल मीडिया हैंडल्स जैसे कि Instagram और Facebook को भी आप फॉलो कर सकते हैं।